ये इधर सब लग गया है। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू फूडलेस ट्राइब। विंटर सीजन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, इट्स नवंबर, लेकिन मुंबई में अभी भी बारिश हो रही है। पनवेल के पास एक जगह है मढ़प, वहाँ पर ये वाटरफॉल है। सो ये बहुत ज़्यादा फेमस वाटरफॉल नहीं है, लेकिन मैंने उसके कुछ पिक्चर्स देखे और लास्ट वीकेंड मेरे भाई वहाँ पर जाके आए थे। सो दिस वीकेंड आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर। लकीली या अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अभी भी बारिश चल रही है, तो डेफिनेटली वो वाटरफॉल अभी भी होगा। देन आई एम गोइंग टू हेड टू पुणे एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्रिप मेरा आने वाला है। सो पहले ये कवर करते हैं एंड देन मैं आपको बाकी के सारे डिटेल्स देती हूँ। नवी मुंबई से मढ़प वाटरफॉल एक घंटे की दूरी पर है। अभी मैं ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो गए आई एम ट्रैवलिंग और अभी मैं रुकी हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। मैं थोड़ा ऑफ साइड आई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए एंड देन आई एम गोइंग टू टेक यू टर्न एंड गो अदर साइड फॉर वाटरफॉल। इट्स अ ह्यूज वाटरफॉल बट इन इट्स प्रिटी इनसाइड, सो बहुत ही सुंदर व्यू है वहाँ का। वहाँ पर जाके देखते हैं कि वो कितना ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। ये फूड जॉइंट ने मेरे 45 मिनट्स लिए और अभी थोड़ी धूप भी बढ़ गई है। आई होप कि वहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा प्लेजेंट रहे, देखते हैं चलते हैं अभी। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आपको गेट के बाहर कार या बाइक पार्क करनी होगी और गेट से आप पूछते हुए अंदर आ सकते हो। सो वंस यू वॉक इन फॉर 10 मिनट्स एक बड़ा क्रिकेट फील्ड आएगा जो आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो ये क्रिकेट फील्ड क्रॉस करने के बाद में वाटरफॉल आता है। गेट पे हमें बताया था कि ओवरऑल हाफ एन आवर का रास्ता है बाय वॉकिंग, क्योंकि अंदर तो व्हीकल अलाउड नहीं है। धूप बढ़ चुकी है, ब्रेकफास्ट के यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो गया। आई वुड रिकमेंड कि आप सनस्क्रीन वगैरह कैरी करो, लगा के निकलो। कुछ तो काटा मुझे अभी, इट्स बर्निंग। बारिश के मौसम में कह रही हूँ, इमेजिन ये कितना ग्रीन होता होगा। अभी तो ग्रास की हाइट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आइडियल टाइम टू कम हियर इज इन मानसून, मोस्टली ऑगस्ट एंड विल बी आई थिंक बेस्ट टाइम टू कम। मुंबई में या महाराष्ट्र में बारिश अब तक रुकी नहीं है, सो आई एम होपिंग कि अंदर पानी मिलेगा वाटरफॉल में। आप जिस नज़ारा देखो पीछे, अभी तो ये सारे येलो फील्ड्स दिख रहे हैं बट ये पूरे ग्रीन होते हैं जब मानसूनस होते हैं यहाँ पर। ये लोकेशन देख के लगता नहीं कि हम लोग मुंबई के आस पास है। इट्स प्रिटी प्रिटी ब्यूटिफुल। उस साइड में अगर आप देख सकते हो कुछ घर है, सो वहाँ पर जाऊँगी मैं एंड आई जस्ट आस्क फॉर देयर हेल्प कि कोई मुझे वाटरफॉल तक का रास्ता दिखा दे। ये गेहूँ लग रहा है मुझे तो, आई थिंक दिस इज, लग नहीं रहा है, ये गेहूँ ही है। माई हैंड इज़ बर्निंग, कुछ तो मुझे काटा है जब मैंने वहाँ पर पकड़ा था, किसी इंसेक्ट ने पक्का काटा है मुझे। ये चावल की खेती है और ये चावल का नाम है रत्ना। पीछे देखो कितने सारे येलो बटरफ्लाइज हैं। यहाँ पर पूरी चावल की खेती है। अगर आपने कभी बारिश के मौसम में चावल की खेती को देखा होगा तो पूरी लश ग्रीन होती है और एक बहुत ही धीमी धीमी खुशबू आती रहती है। अभी तो ये चावल पक गया है, जैसे अभी मैं देख रही थी, इसकी कटाई होगी फिर उसके बाद में उसको सुखाया जाएगा। बारिश के मौसम में कभी ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना कि आप चावल की खेती के आसपास से पास हो रहे हो। ये पूरी वाटरफॉल की स्ट्रीम है, बारिश में ये पूरा ऐसे पूरा भर जाता होगा, इसलिए ब्रिज बनाया डेफिनेटली। ऐसे ऑफ बीट प्लेसेस के लिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप फुल स्लीव्स पहनो, 3/4 ना पहनो, फुल स्लीव्स के शर्ट पहनो। दिस इज व्हाट इज रिकमेंडेड और मैंने दोनों भी गलती की है। आई एम वेयरिंग हाफ स्लीव्स टी शर्ट एंड 3/4, इसलिए मुझे आई होप कि अभी मुझे कुछ पैरों पर ना काटे। ये पूरा पानी है यहाँ पर, आप देखोगे तो यहाँ की कटाई पूरी हो चुकी है चावल की। ये रास्ता बहुत ही सुंदर है, पानी इतना क्लियर है यहाँ पे कि आप नीचे के फिशेस देख सकते हो। सो मेरा गोप्रो एक्चुअली गया है रिप्लेसमेंट के लिए, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू अंडर वाटर शॉट्स।
ऊपर भी लोगों ने कचरा करके रखा हुआ है। घास बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और रास्ते ना समझ में नहीं आ रहा बिकॉज घास ने उनको कवर किया है। सो यहाँ पर एक लोकल मिले हैं हमें, तो इन्होंने सजेस्ट किया है कि यहीं से वॉक करते हुए जाओ ताकि वाटर स्ट्रीम से जाएंगे तो हम कहीं पर खो नहीं जाएंगे या वी वोंट गेट लॉस्ट। आई हैड अ फॉल क्योंकि यहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा लूज है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि पत्थरों का ध्यान दो, मैंने नहीं दिया और फ़ोन मेरा सेफ है। अभी आगे चलते हैं। ये इधर सब लग गया है, यहाँ पर भी लग गया है, घर जाके पता चलेगा कि रियल में कितना लगा है। फुल बैंड पहनना बहुत ज़रूरी है लेकिन हम फिर भी आगे जाएंगे क्योंकि इतना पास आ गए तो अभी जाना बनता है आगे। गिर गए, लग गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना है और यहाँ से हार्डली 5-10 मिनट्स की दूरी पे है तो चलते हैं। ये वाला रूट आप लोग मत लेना क्योंकि यहाँ के स्टोन्स बहुत लूज़ है, तो मैंने ट्रैकिंग शूज़ पहनने के बावजूद मैं गिर गई। अंदर से जा सकते हो, सिर्फ अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे घास है इसलिए मैंने ये रूट चूज़ किया था। रॉन्ग डिसीजन लेकिन लेट्स मेक इट राइट। वाटरफॉल दिख रहा है, अभी बहुत ही छोटी सी धार है या बहुत ही कम पानी है यहाँ पर। मैं अभी बहुत डर डर के चल रही हूँ बिकॉज आधे से ज़्यादा स्टोन्स के ऊपर काई जमी हुई है। सो कितना भी ग्रिप अगर दिख रहा होगा कि मिलेगा बट वो नहीं मिल रहा है। वो जो पीछे आप देख रहे हो छोटा सा वाटरफॉल, एक्चुअली वो बहुत बड़ा होता है। यू कैन प्लान इन नेक्स्ट मानसून, रियली अ ह्यूज वाटरफॉल। अभी पानी कम है बट डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग। नवी मुंबई से ये जगह पर पहुँचने के लिए मुझे लगभग लगा 1 घंटा, मतलब यहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँचने के लिए। वहाँ से 30-45 मिनट्स का वॉक है और यू नीड टू क्रॉस राइस फील्ड्स एंड देन रीच हियर। बीच रास्ते में मैं गिर गई थी बट आई एम फाइन राइट नाउ। यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं वो दर्द तो पक्का ही निकल गया मेरा। यहाँ पर आप देखोगे एक ऐसे कर्व टाइप का रॉक है जिसके ऊपर से पानी गिरता है, या वाटरफॉल जो है ये कर्व शेप में है। और डेफिनेटली बारिश के मौसम में दिस इज़ वर्थ विजिटिंग बिकॉज ये पूरा पानी गिरता होगा यहाँ पर। ये जो आप नीचे पानी देख रहे हो दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी क्लियर वाटर और नीचे सैंड, इट्स नॉट दैट डीप। यहाँ पर आप स्विम भी कर सकते हो जब आप आओगे। जनरली वीकेंड्स में यहाँ पे लोग आते हैं बट एज़ मानसून इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड सब लोगों के मानसून ट्रिप्स भी ख़त्म हो गए इसलिए यहाँ पर आज बिल्कुल रश नहीं है। बट विलेजेस बता रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं जनरली। यू शुड डेफिनेटली स्पेंड 10-15 मिनट्स और मोर टू एन्जॉय एंड एब्जॉर्ब ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, जो मैं अभी करने वाली हूँ। वाइल आई एम एब्जॉर्बिंग ऑल दिस ब्यूटी मुझे कुछ शेयर करना है आप लोगों के साथ। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि आई एम प्लानिंग टू गो ऑन मेघालय ट्रिप, सो मेरा वो ट्रिप हो भी गया एंड आई हैव नॉट अपडेटेड अ सिंगल फोटो और वीडियो ऑन माय चैनल। उसके पीछे एक रीज़न है। दरअसल मेघालय ट्रिप के बाद में मैंने एक और ट्रिप किया था, दैट वाज कास पठार महाराष्ट्र में जो है। बट अनफॉर्चुनेटली दशहरे के दिन, जिस दिन मैं सारा एडिटिंग स्टार्ट करने वाली थी, रैनसमवेयर का अटैक हो गया और मेरा सारा डेटा इनक्रिप्ट हो गया है एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकवर इट। ये मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था बट सोचा आज मैं डिटेल में बता दूँ कि क्या हुआ है। सो मेरे ऑलमोस्ट पूरे मेघालय के वीडियोस, फोटोज़ एंड देन कास पठार का पूरा वीडियो, ये सारी चीज़ें मेरी इनक्रिप्ट हो गई। बट आई एम श्योर कि मैं वो डेटा डिक्रिप्ट कर लूँगी एंड आई विल रोल आउट दोज वीडियोज़ मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स। बट वो ट्रिप इतनी अमेजिंग थी मेरी बिकॉज इट वॉज लाइक अ 6-day trip। मैं पहली बार लाइक आई वेंट ऑन अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नी, कैरावन में थी मैं। दैट ट्रिप वॉज रियली अमेजिंग एंड आई रियली वॉन्ट यू पीपल टू सी दैट ट्रिप ऑन माई चैनल। एट लीस्ट अगर आपके किसी के पास उसका डिक्रिप्ट अवेलेबल हो या कुछ पता हो। सो रैनसम वेयर का अटैक जो हुआ था, मेरे सारे फाइल्स हैव बिकम .bor। सो आई होप कि आई विल रिकवर दैट डेटा एंड कम अप विद दोज वीडियोज। लेकिन तब तक मैंने सोचा ये एक वीडियो बना दूँ बिकॉज आपने देखा होगा मेरा लास्ट वीडियो आकर आई थिंक इट्स मोर देन 3 वीक्स और सो कोई वीडियो नहीं आया है। ये ट्रिप मैंने इसलिए जानबूझ कर प्लान की कि एटलीस्ट एक छोटा वीकेंड गेट अवे दिखा देते। एंड एक और चीज़ है, मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि आई शुड डू इंटरनेशनल ट्रैवल।
सो आई एम प्लानिंग माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप जो बहुत ही जल्द होने वाली है एंड आई रियली होप कि वो उतनी ही अमेजिंग हो. दो वो जगह आप सब लोग जानते हैं या इट्स प्रिटी कॉमन प्लेस, लेकिन जो मैं करने वाली हूँ मेरे चेकलिस्ट में था वो कि मुझे वो करना ही करना है. पैकिंग भी चल रही है, रेडी भी हो रही हूँ. सो आई होप कि वो ट्रिप अच्छी हो, वो डेटा मेरे पास रहे ताकि मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखा सकूँ. आप लोग इतना प्यार मुझे देते रहते हैं, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. वी आर ऑलमोस्ट नाउ फैमिली ऑफ 12,000 पीपल. अगर आप लोगों ने ये वही टी शर्ट है जो मैंने लॉन्च किया था, अगर आप लोगों ने अब तक नहीं चेक किया है तो जाइए crazingo.com पे वो टी शर्ट चेक कीजिए और ऑर्डर कीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए. अदर देन दैट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज मैं वहाँ पर स्टोरीज डालती रहूँगी. सो अभी मैं रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, देखते हैं कि हमें कौन सा रूट मिलता है. अभी तो थोड़ी देर शायद वापस से रॉकी रूट से ही जाना होगा एंड देन वी विल डाइवर्ट इट टूवर्ड्स फील्ड्स, राइस फील्ड्स. ये सब क्रैब होल्स है और यहाँ पे बहुत सारे वाइट क्रैब्स आपको देखने को मिलेंगे. वापस राइस फील्ड से ही जा रहे हैं, ये थोड़ा रिलैक्सिंग रूट है. धूप अभी थोड़ी कम हो गई है और अभी मैं सिर्फ 15 मिनट्स दूर हूँ मेरे कार से, तो एक कड़क चाय पीऊँगी कार के पास जाने के बाद और उसके बाद मैं निकलूँगी पुणे के लिए. टी ब्रेक अभी यहाँ से पुणे इज ऑलमोस्ट हाफ एन आवर. अभी मैं यहाँ पे सेटल हो गई हूँ और फूड ऑर्डर कर दिया है, लेकिन मेरे नीज, मेरे शोल्डर, मेरे आर्म्स, एल्बो, मेरे काफ्स और मेरे लेग्स बहुत ज़्यादा पेन होंगे बिकॉज सारे जगह पर कुछ इंटरनल इंजरीज हो गई है, जैसे स्वेलिंग हो गया है. देयर आर नो वुंड्स बट स्टिल इट्स पेनिंग अ लॉट. घर जाके भी पता चलेगा कि और कितना गिरा है. सो जहाँ मैं गिरी थी वहाँ पर एक्चुअली पत्थर भी मेरे ऊपर गिर गया. जो मैं हर बार बोलती हूँ यू शुड बी सेफ, लेकिन आज यहाँ पर जो वाटरफॉल का रूट था वहाँ पर नीचे वो सारे पत्थर बहुत मोस्ट है, तो उसके ऊपर मेरा पैर गिर गया एंड देन आई हैड दैट फॉल. सो आई शुड हैव बीन प्रिटी केयरफुल बट वो नहीं हुआ एंड गिर गई मैं. आई होप कि ये इंजरी की वजह से मेरी जो नेक्स्ट ट्रिप्स है, जो मेरा पूरा अभी एक 3 वीक्स का प्लान बना है बैक टू बैक ट्रिप्स है, उस पर कुछ असर ना हो एंड मेरी मिसल आ चुकी है. अगर आप नहीं जानते हो तो बता देती हूँ, लाइक मिसल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फूड आइटम इन महाराष्ट्र. आई रियली लव टू ईट मिसल. आई डोंट नो यहाँ पे कैसे मिलती है, लेकिन मैंने सुना है कि कोल्हापुर में सबसे अमेजिंग मिसल मिलती है. सो जो लोग कोल्हापुर में रहते हैं, आई रियली विश टू कम टू कोल्हापुर एंड ट्राई मिसल इन कोल्हापुर. अभी मैं मिसल खाती हूँ एंड देन आई हेड टूवर्ड्स माई होम विच इज़ जस्ट 30 मिनट्स अवे फ्रॉम हियर. फिर इवनिंग में कुछ प्लान्स है फ्रेंड्स के साथ एंड देन आई हैव टू अगेन गेट बैक टू माई पैकिंग एंड देन प्लानिंग ऑफ माई ऑल ड्रेस ट्रिप्स. सो आई होप कि एंजरी मुझे ज़्यादा अफेक्ट ना करे. मिसल खाने के बाद में अभी आई एम लीविंग फॉर पुणे जस्ट 30 मिनट्स. मुझे ऐसा लग रहा है कब मैं पुणे जाऊँ और सो जाऊँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. जनरली एक बार तो मैं पक्का गिरती हूँ कोई भी ट्रिप पे जाने के बाद, लेकिन इस बार ज़रा ज़्यादा ही बड़ा फॉल हो गया है.